उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में स्मार्ट सिटी को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के कई बार स्थानीय लोगों की शिकायत भी मिली है, जिसको लेकर मैंने संज्ञान लिया है। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। खराब सड़कों को बनाने की मांग को लेकर के उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया है। मोहन नगर के एनएच 309 पर धरने पर बैठे हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर के हमला बोला। हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को एक महीने पहले प्रदर्शन को लेकर के चेताया गया था, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को अनदेखा करती रही है। रुद्रपुर में पराली लदे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई है। पराली को डंप करने के लिए किसान पतंग नगर कृषि विश्वविद्यालय फार्म एरिया से बाहर ले जा रहे थे। आग लगने की जानकारी लोगों ने ट्रैक्टर चालक को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने और सुरक्षा कर्मियों ने आग पर काबू पाया।